वह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब वो बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिसके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें।